यू एल व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फैंटसअप गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अपन दोबारा से खेलने जा रहे जी टी ए वाइल्ड सिटी। और लास्ट एपिसोड में आरजे देवांश है तो उसने आके हक दिया था, मतलब पूरा का पूरा वीडियो का सत्यानाश किया था, अपन इधर से शुरू किया था, ठीक है। तो अभी सिंपल सी बात है, जो तब नहीं कर पाए वो अब करेंगे और जो अब नहीं कर पाए वो तब करेंगे। मतलब समझ नहीं पा रहे हो गया आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो अपन अभी फिर से वहीं से शुरू करने वाले हैं सारा कुछ। और गाइस, तुम्हारा भाई लेके आ चुका एक ऐसी गाड़ी जो तुमने कभी ना देखी होगी, फुल टू टॉप मॉडल से मॉडल का टॉप है, जो अभी तक इधर लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है ना। वो मॉडल तुम्हारा भाई लेके आ चुका है, तो उस मॉडल की तरफ में अभी अपन बढ़ रहे हैं। और ये रहा गाइस, दिखने में यार ये छोटी मोटी कार लग रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्पीड, इसका लुक, इसका सारा कुछ बेस्ट है। और इसकी आप स्पीड देख सकते हो, कोई भी चीट वगैरह नहीं है। इसको बाहर से इंपोर्ट कराया गया है एयरपोर्ट पे, और उधर से मैंने ये गाड़ी मंगवाई है। तो आप एक बार ना इसकी स्पीड वगैरह नोटिस कर लीजिए भाई साहब, स्पीड इसकी जितनी तेज है ना, इतने अभी तक कोई भी कार वगैरह की तेज़ नहीं है। बट गाइस, ये रोड किंग नहीं बन पाई। इसका मैंने काफ़ी टाइम पहले टेस्ट कराया था स्पीड किंग में, तो स्पीड किंग में तो ये स्पीड में सबसे टॉप है, ठीक है। बट एक कमी रहेगी इसके अंदर, जो इसकी ब्रेकिंग है ना यार, वो बहुत ज़्यादा ढीली है। अगर इसकी ब्रेक वगैरह को और ज़्यादा ज़ोरदार कर दिया जाए ना, तब तो भाई साहब ये क्या से क्या ना कर दे, मेरे को बता दो। सारा का सारा काम कर सकती है गाइस ये वाली कार। उसके बाद में बात आती है गाइस इसकी, ये देख सकते हो, अभी मैंने इसकी ब्रेक न पाई थी, ठीक है। तो अभी मैं इसको पानी के अंदर तैराने वाला हूँ, तो फटाफट से इसको लेके जाते हैं फर्स्ट सिटी बीच पे। सीधा का सीधा इधर से काफ़ी ज़्यादा सीधा ही है रास्ता। अपन वैसे यार, मैं इसकी स्पीड दिखाते दिखाते थर्ड सिटी के अंदर एंटर हो गया था, बट अब कोई बात नहीं, फुल स्पीड में भगाते हुए मैं जा रहा हूँ। अब इसको फुल स्पीड में भगाते हैं। और गाइस, ये भाई 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 भाई, आपने एक चीज़ नोटिस की, मतलब अल्टीमेट कार है, और इसने मेरे को वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा दिया। गाइस कितनी जहर। तो गाइस जब इस अपनी इस वाली कार को लेके चलते हैं बीच पे, और बीच पे ओ गाइस 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 यार, इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्यों दी गई है यार। गाइस, मैंने तो इसको हल्की सी रेस ही दी थी यार, ये जो उड़ी उड़ी जा रही है बस। और तो कोई दिक्कत नहीं यार, समुद्र में कोई शार्प वगैरह ना, वैसे तो कुछ तंग वगैरह करती हैं जी टी वाई सिटी में। ये देख सकते हो गाइस, इसकी मतलब स्पीड वगैरह आप खुद नोटिस कर सकते हो। तो अभी अपन इधर अंडर वाटर आ चुके हैं, वैसे अंडर वाटर में आके अपन ने करना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन गाइस मैं ना इधर सी क्रिएचर्स वगैरह के आराम से मजे ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड ऑक्सीजन वगैरह सभी कुछ अवेलेबल है। मैं इधर से ना गाइस पीछे नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। कोई बात नहीं गाइस, अपने पास इधर यार स्पीड किंग है, तो स्पीड किंग से कोई भी टेंशन वगैरह नहीं लेने का। ओके गाइस, तो अपन वापस से इधर आ चुके थे ऊपर, और मतलब तुम्हारे भाई ने ना जिस गाड़ी है ना धजियाँ उड़ा देगा। क्योंकि गाइस यार इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ज़ोरदार है,
गाइस अपन ने इसकी स्पीड टेस्ट अपन ने कर रखी है, अब इसको ना हल्का सा स्टंट में भी टेस्ट कर ले। वैसे यार स्टंट में तो अमेजिंग ही जाएगी। और कैसे अभी तक ऐसी गाड़ी अभी तक आई नहीं भाई सिटी में। वैसे अब से मैं इस गाड़ी का मॉडल वगैरह खरीद लूँगा। और गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो गाइस, अमेजिंग स्पीड। गाइस क्या स्पीड है यार इस कार की। गदर स्पीड है। अभी ना मैं इसके जितने मॉडल वगैरह आ रखे ना सारे के सारे खरीदने जा रहा हूँ। और यार ये गाड़ी उड़ी उड़ी उड़ जाती है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ अंडर वाटर, तो सबसे पहले तो एक पोजिशन बना ले। गाइस तो मैं इसको लेके आ चुका हूँ अंडर वाटर। और गाइस इधर है ना कुछ भी हो सकता है, बट इधर गाइस एक सबसे बड़ी बात है तुम्हारा भाई। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई मैं तो मर गया, बच गया। अब गाइस आप सोच रहे हो यार ये वाले कौन सी नई ट्रिक है, तो अभी इस ट्रिक से मैं चढ़ने वाला हूँ। प्लेन पे शक्तिमान बन चुके हैं अभी इधर अपन। शक्तिमान। भाई यार ये प्लेन तो खोखला है। और गाइस मैं ना पूरा का पूरा इधर यार भीग चुका हूँ। और गाइस वो प्लेन देख रहे हो यार कितना ज़्यादा दूर चला गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है तुम्हारा भाई। इधर यार एक ना हवा में गन और नहीं फायर कर सकते। और गाइस वैसे ना यार मैं इधर अपने ना एक अलग से बंकर वगैरह बनाने वाला हूँ यार काफ़ी जल्द में, क्योंकि गाइस यार अपने हो रहे अभी धनाधन इस जगह पे हो रहे हैं अटैक्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है अपने बंकर वगैरह तो एक ही है अभी तक। और गाइस पहले इधर पिज़्ज़ा हट से पेटीएम वगैरह यूज़ करके ना कुछ खा पी लें। ओके गाइस ये अपने को पहचान चुका है और ये कहते जाओ भाई जितने पिज़्ज़ा लेके जाने ले जाओ, तो मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिए। मैंने इसको कहा मेरे से डरने की कोई भी ज़रूरत वगैरह नहीं है, तो अभी अपन इधर से आराम से जा रहे हैं। ओके तो इधर गाइस यार ये पुलिस वाले चमचे गाइस, मैंने उसको हल्का सा डरा क्या दिया। ओके गाइस तो फटाफट अभी इधर से भागते अपने अली मंटू। ओके गाइस तो फाइनली इधर ना अपन ने एंबुलेंस वगैरह सारा कुछ फोड़ दिया। बस मेरे में इधर कार वगैरह आनी थी। ओके तो यार ये कार ऊपर क्या कर रही है। अभी ना गाइस कोई बंकर वगैरह की लोकेशन वगैरह मंगवाते हैं अपने दोस्त से। ओके
तो मैं इधर सुनता हूँ। और गाइस मैंने अपने अपने दोस्त से बात कर लिया वगैरह, सीधे की सीधे जाके ना कचरे वाला आ जाता है। तो एक सिटी स्क्रैप, तो गाइस इधर है ना सारा का सारा अपना अड्डा होने वाला है। इस अड्डे को अपन यार खरीद ही लेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि गाइस अगर अपन ये वाली जगह खरीद लेते हैं ना तो सबसे बेस्ट बात है कि इधर अपने को कोई मारने वाला नहीं होने वाला। यार गाड़ी अटक गई क्या? हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि इधर कोई भी अपने को ढूंढने नहीं आने वाला, तो कचरे में यार कोई पुलिस वगैरह आना तो चाहिए नहीं। और इधर वैसे तो अपने पास में इधर एक ट्रक वगैरह खड़ा हुआ है, मैक नाम से है इसकी कंपनी, तो चलो इसको लेते हैं। और इसका वैसे रबिश ट्रक है यार ये, इसके अंदर कचरा वगैरह लेके जाते हैं लोग वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। इसको है ना मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अगर मैं कभी भी मतलब मेरे को कल भी कोई भी मारे वगैरह तो बहुत सिंपल है यार, इस ट्रक वगैरह इसको यूँ करके खड़ा कर देंगे और बंद कर देंगे और इसका लॉक वगैरह लगा देंगे। और इधर गाइस कुर्सियाँ वगैरह पड़ी और इधर खून लगा हुआ है, और गाइस इधर है ना यार काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह हो रखी हैं यार। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार अपने लिए, ठीक है। अभी है ना अपनी इधर अपनी फरारी वगैरह के मॉडल वगैरह, अरे यार ओके इधर वगैरह ना अपन अंदर मॉडल वगैरह तो नहीं मंगा सकते, बट बाहर से तो मॉडल ला सकते हैं। गाइस इधर है ना यार पुलिस प्रोटेक्शन को ऐसा कि लग रहा बुलाना पड़ेगा। ओके मैंने अभी कॉल तो कर दिया पुलिस को, पुलिस अभी इधर आती होगी। ओके गाइस तो फाइनली इधर पुलिस आ रखी है, जैसे भी लोग तो पुलिस अपना काम करके चलेगी। नहीं गाइस मैंने इधर फिर से पुलिस को कॉल किया, क्योंकि गाइस तो इधर उसने भगा दिया मतलब उन सामने वालों को। ओके भाई मेरे पीछे गाड़ी क्यों ला रहा है यार, तेरी पप्पा जी की जय साले, अभी पुलिस को बुलाया ये फिर आ गया। अगर इधर से ऐसे करके बाहर चले जाओ, अब आके मेरे को कुछ किया ना फिर सोच लेना तुम अपनी। खैर अब बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है, तो अभी फटाफट से फरारी मंगाते हैं, फरारी के अंदर बैठते और चलते अपने वाले कबाड़ खाने में ही रहेंगे अब अपन थोड़े दिन वगैरह भी। वैसे ऊपर वगैरह तो अपन रहने नहीं वाले, अपन रहेंगे नीचे, और नीचे में भी यार काफ़ी सारी जगह है। गाइस ड्रोन वगैरह होते हैं ना जैसे, तो वह ऐसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो वो अपन गाइस इधर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं उसके ऊपर। भाई ऊपर चढ़ते तो जाने दे भाई मुझे कुर्सी, अब तो मैं इसके ऊपर चढ़ करूँगा। ओके चढ़ चुका हूँ उसके ऊपर, आराम से बैठ जाते थोड़े टाइम के लिए जब तक यार बारिश नहीं रुकती। बस सर जो फास्टेस्ट कार थी ना वो पता नहीं मैंने किधर छोड़ दी, मेरे को खुद को नहीं याद आ रही, मैं बारिश की रुक गई यार अभी तक तो।
गाइस ओके गाइस, तो थोड़े टाइम के बाद मैं अभी मेरे को ठंड वगैरह वापस से लगनी शुरू हो गई। इसका मतलब जस्ट लाइक है ना, ओले वगैरह पड़े थे तभी यार मुझे ना सर्दी सी महसूस हो रही है। तो फटाफट से अपनी कार को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कैसा मौसम है। क्योंकि गाइस यार फिर से आ रही है धुंध हो रखी है पूरे के पूरे सारी जगह पर। इस टाइम पे ना मुझे चाहिए स्मोक फ्री गाड़ी, तो यानी कि मुझे लेनी पड़ेगी होंडा। हग दिया गाइस इन्होंने, फिर आ गए ना। अब इनमें से एक की भी औकात नहीं वाले मेरे को टच करते हैं, मैं तीन तक गिन रहा हूँ, भाग जाओ इधर से। अब नहीं है बचने वाले। अब मैंने पुलिस को फटाफट से कॉल कर दिया, पुलिस अभी इधर आती होगी, चॉपर वगैरह लेके आएगी, नहीं तो यार कुछ और लेके आएगी। ओके तो इधर एरोप्लेन वगैरह तो आ चुका है, हेलीकॉप्टर आ चुका है इधर अपना FBI का। मार दो मार लो मार लो। अब तुम्हें शर्त है कोई बच जाए तो। गाइस इनके दो के लेग शॉट पड़ चुके, तीन के चार मर चुके इधर, पांच का हेड शॉट। तो सामने वाले को मुंडा देखो, ऊपर नीचे हो जा रहा है। ओके गाइस इधर है ना अभी और भी जने आ चुके हैं, अपन इनको सेटअप करके मार देंगे। गाइस बहुत टाइम हो चुका है यार, इनको मुंह पे बजा रहे हैं ना मेरे। अब देखते रही तो टांग सारा बरसाए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। ठीक है वे, थैंक्स अ लॉट, अब आप जा सकते हो। नहीं FBI एक बार वापस आओ यार, बोल साला अभी भी आगे आ गया। अब से आए ना खोपड़ा तोड़ दूंगा एक एक का। फिर से फरारी ले लिया यार, फरारी नहीं लेनी है पंजाब। अब इधर से ना फटाफट से निकलते हैं अपने एक जगह के लिए। ओके गाइस, एक तो यार मिस्टी वेदर के कारण कुछ साइडन से दिख तो रहा नहीं है यार। तब गाइस बारिश होने लगी है, ओके गाइस तो फाइनली अब तो टाइम में यार धूप वगैरह निकल चुके हैं। अब है ना क्लीन लग रहा है यार, मतलब सारा शहर है ना अब साफ सुथरा लग रहा है। अभी ना अपन अपने वाले सबसे बिगेस्ट वाले मेंशन पे आ चुके हैं, अभी अंदर डालते अपने गाड़ी को। अरे रिदिना ना यार ये लोग वगैरह घूमने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है गाइस सबसे ज़्यादा महंगा अगर इस टाइम पे अपना ही है। ऑटन मेडिसन इधर बाहर खड़ी है, इधर लेंस्टर वाली हुई भी खड़ी। फटाफट से इस कार को उठाते हैं, चलते हैं यार अभी मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है यार। अपनी वाली जो सबसे बड़ी वाली बोट है उधर, अभी ये ना मेरी मीटिंग है, सबसे पहले यार वो वाली मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी यार। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फटाफट से चलते हैं। जैसे फटाफट से राइट लेते हैं और फटाफट से सीधा ही है यार अपनी वाली बोट का रास्ता। तो उनसे बात करनी है यार, मैंने ना अपनी होंडा कोड कंपनी बेचनी नहीं, और वो लगातार मतलब मेरे को जस्ट लाइक है ना फोर्स कर रहे हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो हमारे पास तेरे खिलाफ में सारी रिपोर्ट्स वगैरह, और अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तेरे को उड़वा सकता हूँ। क्योंकि यार उसका FBI से कॉन्टेक्ट, और FBI मतलब अपने लिए ही काम कर रही है अभी फ़िलहाल तो काफ़ी दिनों को। एंड बेफालतू में यार अब जब ऐसे बंदे मिल जाते हैं ना तब
गुस्सा आता है वो देख सकते हो, देख सकते हो चार पांच ये उनके गार्ड्स होंगे, शर्त है आओ कराओ। एक एक का खोपड़ा खोल दूंगा, अरे आओ ऊपर, अब नहीं आने वाले गाइस ये। हाँ तो अभी मैं इधर आके बात करने वाला हूँ उनसे, अभी थोड़े टाइम में आ जाएंगे गाइस। फाइनली पूरे के पूरे 10 मिनट हो चुके हैं वो आई बात वगैरह करके, तो अभी वो करें कि अभी जिस टाइम पे अभी पुलिस स्टेशन में सारे के सारे हमारे ही पुलिस वाले। तो मैंने कहा भाई ऐसे कोई बात नहीं, अभी के अभी मैं चाहूँ तो अभी के अभी उड़ा सकता हूँ उन सारे को। तो फिर जिधरे हैं वो कह रहे हैं तेरे अंदर इतनी औकात नहीं कि तू उन सारे को उड़ा दे, तो अभी फटाफट से निकालते हैं यार। अभी मैं गुस्से वाले मूड में, तो एक बार इसको तो इधर ही खड़ा कर देते हैं, और अपने टैंक वगैरह को ऑर्डर कर दिया मैंने और वो आ चुका इधर। अब वो रोएंगे, तो वैसे मैं कभी ना सामने की तरफ में कैनन करके नहीं चलाता था, अगर मैं पीछे की तरफ में चलाता होता ना तो एक प्रॉफिट मिल जाता है यार। जितने भी तेज तेज वो मतलब फेंकते ना बम वगैरह, तो उससे ना अपनी टैंक की स्पीड वगैरह बढ़ जाती है। तो वह फटाफट से भगाते हैं यार, और गाइस इधर मैंने इसको पानी के अंदर उतार दिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं गाइस अभी रोड पे हूँ यार, फुल ऑन रोड है गाइस। मेरे नीचे यार ये बाइक क्या कर रही है भाई, बाइक वाले अंकल बाइक हटा दो। गाइस यार ये बाइक है ना मेरे साथ में चलना चाहती है क्या, और गाइस अब मैं तबाही वाले मूड पे हूँ इधर। तो यार उस लड़के ने मतलब ऐसा कैसे कह दिया कि मतलब जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे मेरे हैं, कि गाइस तुम्हारे भाई के बड़े बड़े जनों से कांटेक्ट है, और उन्होंने आके यार मतलब सीधे धमकी दी है कि तू उड़ा के बता दे मतलब पूरे पुलिस स्टेशन को। तो अभी टैंक वगैरह तो यार बच्चे को हेला है, अभी टैंक वगैरह को छोड़ ही देते हैं ना, टैंक मैंने इधर साइड पर लगा दी मस्ती से। ये देखो ये देखो देख रहे हो, उन्होंने अपने इधर सारे के सारे गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं, उनको ऊपर तो चढ़ना नहीं आता। अरे कुछ कुछ ऐसे भी गार्ड्स होते हैं जो तो ना गाइस मैं अपने होंडा कंपनी की कार मंगाई है वाइट कलर वाली, और अभी फटाफट से चलते हैं यार। इन्होंने इतनी इनके अंदर औकात कहाँ से होगी भाई साहब, मतलब इधर सबसे ज़्यादा अमीर से भिड़ रहे हैं, और वो भी सबसे पावरफुल टॉमी से भिड़ रहे हैं यार। ये देख रहे देख रहे देख रहे प्रोटेक्शन कर इन्होंने सब लगा रखी है। ओके भाई इधर मेरी गोलियाँ वगैरह बजनी शुरू हो गई है, उनको अब जाकर पता लगा कि इधर कोई आ गया। तो इधर यार उनके पास भाई सब इतने जोरदार कॉन्टैक्ट की तुरंत की तुरंत FBI को बुला दिया इधर, यार तुम्हारे भाई पूरा का पूरा तैयार होके आता है। मशीन गन से हो जाऊंगा इन सारों की, तो भाई इनको कोई एक जना भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। इन्होंने तुरंत के तुरंत मिलिट्री तक को हिला दिया यार, फोर्स कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि ना मिलिट्री तक को पता है कि भाई इधर ना देखो देखो टैंक भेज दिए इन्होंने भर भर के, कोई दिक्कत नहीं। नॉन स्टॉप बुलेट्स लगेंगे अब इनके, अभी किसी के अंदर रुका है तो भाई आ जा। ठीक है अभी फुल ऑन फायर मोड हूँ अब भाई, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के मारूंगा, और उसके बाद में मैं जाने वाला हूँ मिलिट्री एरिया में, उधर जाके बजाने वाला हूँ अलग से।
फिर गाइस यार इनके अंदर इतनी हिम्मत, गाइस इन्होंने जस्ट लाइक है ना मेरे को मजाक में ले रखा है क्या। एक तो गाइस मेरी जितने इतने ज़्यादा मतलब पावरफुल जने से इन्होंने सीधा के सीधा कॉन्टैक्ट कर लिया। ठीक है भाई मान लिया तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन यार एक गैंगस्टर में सबसे ज़्यादा टॉप बंदे से यार इन्होंने कीड़े किए हैं। उनका गाइस पुलिस स्टेशन देखते देखते मैं कबाड़ा करूँगा मैं। गाइस अब देख रहे हो ना अब लाशें बिछनी शुरू होंगी। गाइस आप खुद हल्की सी एक नज़र मारो यार इनके अंदर इतनी औकात कहाँ से आ गई भाई साहब। या इनके साथ में किसी क्रिमिनल का बहुत बड़ा ज़्यादा हाथ मार लिया इन्होंने। देख रहे हो इधर चार चार पुलिस गार्ड खड़े किए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चारों के चारों इधर मर चुके हैं, अभी अंदर देखते हैं। कॉप वगैरह क्लोथ भाई मैंने नहीं पहने। गाइस अभी इन्होंने फिर से मिलिट्री की गाड़ियाँ वगैरह भेजनी शुरू कर दी, और अभी इनको पता नहीं है कि भाई इन्होंने जस्ट लाइक ना पंगे भी किससे लिए हैं। इन्होंने अभी तक के सबसे बड़े क्रिमिनल से पंगे ले लिए, और इन्होंने अभी फिर से प्लेन वगैरह भेजने शुरू कर दी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भेजो भेजो बेटो तुम्हारा यही काम है। वैसे इन्होंने ना अभी अपनी फोर्स वगैरह सारा का सारा कुछ करके वगैरह देख लिया, लेकिन अब इनका एक जना भी नहीं बचने वाला यार। तुम्हारा भाई इज ऑफ फुल ऑन रो रहा है यार, अब नहीं छोड़ने वाला इनका एक पुलिस वाला जना, छोड़ देना। और गाइस तो मेरे को अभी इसको कॉल आया है, एक सेकंड मैं इसको कॉल वगैरह अटेंड कर लूँ। ओके गाइस अभी इसको कॉल आ गया था, और वो कहता भाई माफ़ कर दे यार, मुझे पता नहीं था कि तू इतना ज़्यादा बड़ा मतलब क्रिमिनल है, तूने इतने सारे जनों को भी मार दिया हमारी वाली टीम वाले। तो जस्ट लाइक है ना उनके होश वगैरह सब कुछ उड़ गए, और इन्होंने यार मुझे गाड़ी के एक नहीं दो नहीं तीन नहीं हाँ तीन तीन चक्के मतलब पूरे के पूरे पंचर कर दिए यार। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब वो मिलिट्री वाले चौड़े हो रहे थे तो हल्का सा उनका भी बबुआ बनाना पड़ेगा। तो देख सकते हो पुलिस देख के भागेगी भाई साहब, क्या इनको पता है। ये ले जा बेटे निकल। ठीक है जब पुलिस के अंदर इतनी औकात नहीं रही कि वो मतलब जस्ट लाइक अब मेरे से भिड़ जाए फिर से, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा आर्मी तो मैंने अकेले ने टेक लिया। और अगर मेरे वाले सोल्जर आ जाते इस टाइम पे, मेरी वाली पुलिस वाले अगर सोल्जर आ जाते इस टाइम पे, तो भाई साहब इनकी तो वाट लग जानी थी यार। तुम्हारा भाई वन मैन आर्मी है तो सीधा सीधा अंदर ही घुसूँगा अब इनके। ये देख रहे हो अभी तक इन्होंने यार मतलब प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं हटाई यार। तुम्हारे भाई हमेशा अपनी गाड़ी सॉलिड करके लाता और हमेशा लाता रहेगा। ओके गाइस तो उसका फिर से कॉल आया और वो कह रहा है भाई औकात की बात तूने कैसे कर दी। तो उसने फिर से पुलिस वगैरह को अपनी चेतावनी वगैरह दे दी और उनकी पुलिस फिर से अब मेरे ऊपर अटैक करेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई भी किसी बाप से नहीं डरता। भाई आज तक यार कभी सॉरी वगैरह किसी से नहीं बोले और ना कभी बोलूँगा। आ जा तेरे इधर, मैं दरवाजे वगैरह सब कुछ लॉक कर दिया। अब तुम्हारा भाई एक को भी नहीं छोड़ने वाला इधर के, एक भी प्लेयर को एक भी पैसेंजर को कोई नहीं बचने वाला। अब तुम्हारा भाई इज फुल ऑन रोर। अब इनके लंका में घुस के ही इस रावण की लंका में घुस के अभी सारों को मारने वाला हूँ। अब इनको पता नहीं चला भाई सब के कि फुल ऑन स्पीड में मैं चला रहा हूँ। हाँ अब इनको पता लग गया कि कोई ना कोई आया है, वो आते सार में मैं तो गाड़ियाँ से ही उड़ा रहा हूँ भाई सब इनको। ओके गाइस इन्होंने मेरे चक्के फाइनली पंचर कर दिए। मुझे लगा ही था कि
कि ये ऐसे तो चुप बैठने वालों में से लग ही नहीं रहे। तो यार ये रो पड़ेंगे भाई साहब इनकी इतनी सारी आर्मी को, तो मैंने मिलिट्री बेस के अंदर आकर मैंने इनकी आधे से ज़्यादा आर्मी को सुलटा दिया है। इनकी आर्मी अब आपने देखी नहीं है यार, ये चाहे तो मेरे को तुरंत के तुरंत मरवा सकते थे। तो वैसे इधर है ना यार, मैं अभी जिस तरह ना इनके मेन बेस के अंदर घुस चुका हूँ और मैं दूसरे टावर पे जा रहा हूँ। दूसरे टावर पे जितने भी फौजी वगैरह हैं उन सारों को मारूंगा गाइस। अभी इनका एक जना भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि तो इन्होंने FBI को फिर से चेतावनी दे दी। FBI ने तुरंत के तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेज दिया, हेलीकॉप्टर भेज दिया ही। तो जड़ा इन्होंने हेलीकॉप्टर पे गया ही, वो नहीं बचने वाला। देख रहे हो अब वो अपने जाके सिक्योरिटी के लिए भाई साहब, बस अभी ना मैं इनकी मतलब जिसपे पूरी पूरी लंका में घुस चुका हूँ। और गाइस इनके मैंने एक सीक्रेट वेपन ले लिया है, बॉयज कुत्ते जहर है यार इनका सीक्रेट वेपन। मेरे ऑलमोस्ट है ना मिलिट्री वालों को ये वेपन देना चाहिए, लेकिन यार ये नहीं देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ बेटे, आ बेटे, तेरे जितने का ना लाखों को देखा है, ये आके बढ़ते रहेंगे। अल्लाह भेज तेरे आज एक FBI वाले प्लेयर को भेज, तेरा एक एक बंदा लिटा के नहीं मारा ना मेरा ना भाई, फिस्ट से मारूंगा एक एक को तेरी बहन तेरी। तो चल बरसा भाई मेरा है ना वेस्ट इतना ज़्यादा मजबूत है ना कि ये देख देख के बेचारे बेहोश हो जाएंगे। देख रहे पता नहीं इनको किधर से बंदा दिख रहा है जिसके पीछे यार ये भाग रहे हैं इन पागलों की तरह। तो गाइस अभी ना फिलहाल FBI का यार ये जो प्लेन है इसको तो मैंने मॉन्स्टर मतलब इस वाले सीक्रेट वेपन से तबाह तो कर दिया है। अभी हम नीचे की तरफ में ये देख सकते हो प्लेयर वगैरह जस्ट लाइक है ना इन पोजिशन ले लेके बैठे हैं कि यार ये नीचे उतरे तो अपन इसको उड़ा के देखते हैं यार नीचे वगैरह बोलते हैं। यार ये देखते देखते पीछे से भी आने लग गए हैं यार, तो बात नहीं गाइस अभी अपन ने इधर वाले भी सारों को मार डाला है, मतलब इधर वाले अभी पूरे कंप्लीट तो नहीं हुए। ओ भाई अब ना हल्का से नीचे ना मतलब फौजियों को देखो यार, जैसे ही मैं आ रहा हूँ ना तो उनका जस्ट लाइक ना उनका रिएक्शन देखने वाला आ रखा है यार इधर। लेकिन अभी इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला यार, अगर जब ये ना मैंने इधर अपने सबसे पक्के दोस्त को कॉल कर दिया, उसने मेरे लिए इधर टैंक वगैरह अवेलेबल करा दिया। वह तो फटाफट बैठ इसके अंदर आ जा फटाफट से, नहीं तो यार तेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, तेरे भूत बना के मारेंगे। तो गाइस अभी इसी बात को सुनते सुनते मैं यार तुम्हारा भाई, तो अब तुम्हें भी पता है यार कितना है खतरनाक हूँ अभी भाई। इन्होंने यार टैंक देख रही हो कैसा बनवा के दी, मतलब सामने वाले टैंक आके सेम टू सेम वैसी हैं, बिड़ रहे हैं और वो दूर जा रहे हैं। मैं इस जहर टैंक बना के दिया यार इन्होंने, मेरे बेस्ट फ्रेंड है यार ये। और गॉइस यार बाकी सारे टैंक वगैरह अटकते होते हैं यार, ये वाला टैंक नहीं अटक रहा। इससे यार मैं सामने वाले टैंक की तो तुरंत ही तुरंत पुंगी बजा रहा हूँ।
बस ये देख सकते हो ना मेरे सामने के सामने है ना, मतलब काफ़ी सारे टैंक वगैरह पे बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। पीछे की साइड पे भी टैंक आ रहे हैं। इसको ना फटाफट से भी चलते हैं आगे की तरफ में। और फटाफट से आगे वाले ये मिलिट्री वगैरह खड़ी है, तो मिलिट्री का यार टैंक खड़े खड़े फोड़ दिया तुम्हारे भाई ने। पीछे से आ रही टैंक वगैरह भी आ रहा है, FBI के सोल्जर्स भी आ रहे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है तुम्हारे भाई के लिए। ये ओके गाइज, अभी ना थोड़े टाइम बाद में उसने मेरे को कहा था कि अगर तू भी इनसे बच गया ना थोड़े टाइम के लिए भी, तो मतलब जस्ट लाइक ना मेरी प्रोटेक्शन भी तेरी प्रोटेक्शन बन जाएगी। अभी अब एक बार ना मेरे वाले टैंक की पावर देखो, मैंने उनके टैंक पानी में फेंकने शुरू कर दिए। मैं थोड़े टाइम के लिए रुक के गया यार, ये मेरे लिए ऊपर चढ़ रहे हैं बिना यार उनको मेरी पावर वगैरह कुछ ही नहीं दिखाया मैंने। बस टैंक पे टैंक आके बैठ रहे हैं तुम्हारे भाई साहब। तो गाइस अभी तो लाशें बिछनी शुरू हुई हैं, और गाइस अभी मेरे को उसका कॉल आया, तो अभी फटाफट से एक बार उससे बात कर लेते हैं। सर ये सबसे सेफ जगह, इधर कोई मारने वाला नहीं है, तो इधर से फटाफट से सुबह। ओके गाइस, तो वो कहता भाई माफ़ कर दे, क्योंकि यार अभी मैंने उसके घर पे अपने बंदे भेज दिए थे। मैंने आपको भी नहीं बताया, मैंने उसके घर के अंदर बंदे भेज के उसको मारा है। तो कहता भाई मुझे माफ़ कर दे, और साला मारे जा रही है, मारे जा रही है। कैसे अभी उसने कह दिया भाई हमको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैंने कहा भाई सब साफ ना कर दूँ तुम्हारे जैसे लड़कों को। नहीं, एक तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आके मेरे से यार ये भिड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से यार ये जानते भी हैं कि हाँ यार ये कौन है। ये देखो तो ऊपर से यार ही जानते भी हैं यार ही कौन सा जन है, मतलब जो इतना ज़्यादा मतलब खौफनाक है। तभी अपन ने इधर अपनी फौड़ मंगाई, और फौड़ के अंदर बैठ के जाएंगे अब आराम से। अब तुम्हारे भाई को किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब एक वही था जो सबसे मतलब अपनी आकड़ कर रहा था, अब उसको पता चल चुका है कि हाँ भाई मैं कौन। मैंने उसकी सारी फोर्स को ख़त्म कर दिया था, उसके आगे अब वो मेरी फोर्स के सामने मिन्नतें काट रहा है, क्योंकि मैंने उसके घर के अंदर मेरे सारे बंदे भेज दिए A to Z। जितने मेरे मेंशन वगैरह पे खड़े रहते थे, जितने भी मतलब मेरी सिक्योरिटी के लिए रहते थे, जितने मेरे मिलिट्री के अंदर रहते थे, जितने मेरे पुलिस के अंदर रहते थे, उन सारों को अलर्ट करके मैंने उसके घर के अंदर ही भेज के उसी के बंदों को मार दिया। तो जस्ट लाइक है ना, अभी वो रो रहा है भाई साहब बहुत भयंकर वाला, वो कह रहा माफ़ कर दे, अगली बारी से मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो मैंने उसको कहा भाई अब तू निकल, उसकी फैमिली को मैं चाहूँ तो अभी कभी खल्लास कर दूँ, बट यार बुरा लगता है यार। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, अब तुम्हारे भाई को, अब तुम्हारा भाई है ना। वैसे लड़ता तो मैं नहीं हूँ किसी से कभी भी, वैसे ना कुछ कुछ लोगों का ना खुजली सी मचती है आके लड़ने की कि हाँ भाई मैं अब इससे ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। भाई ऐसे क्यों सोच रहे हो, सबसे बड़ा गैंगस्टर मैं ही हूँ, GTA Vice City में मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं ही रहूँगा, भले ही मैं जितना जो उतना बूढ़ा हो जाऊँ। लेकिन गाइस शेर शेर रहता, भले ही वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन शेर का बच्चा भी शेर ही रहेगा। भले ही वो बूढ़ा हो जाए, भले ही वो मर जाए, लेकिन शेर का शेर ही रहेगा।
तो इनको पता नहीं है भाई साहब इन्होंने पंगा किससे लिया। अभी मैं उसके फैमिली के अंदर जाऊंगा, उसकी फैमिली को मैं यार मार देता हूँ, कॉल कर देता हूँ मेरे दोस्त को। जब भी कभी मैंने उसकी फैमिली से मतलब फैमिली से क्या, मैंने अपनी बॉडीगार्ड को कह दिया कि अब तुम्हारे वाले बंदे मरने वाले हैं। तो अभी उसके भी मतलब कम से कम 75 के मैंने 95 सिक्योरिटी मार दी, 5% में उसके आते कम से कम 50,000 से ज़्यादा जने। और मेरे पास अभी एक बिलियन से ज़्यादा जने पड़े हैं मेरे पास अभी, ठीक है। तो मैंने उनके सारे को भेज दिया, उनके मतलब 5,000 जनों को मारने के लिए जितने भी जने थे वो, तो वो सारे के सारे मर चुके हैं। मैंने उनके फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, और उसकी फैमिली के पास में भी पता है कौन कौन निकला है, मेरे बेस्ट फ्रेंड के आर्मी भी उसके अंडर में काम कर रही है। और ये बात मैंने सुन के मैंने अपने फैमिली मतलब दोस्त को तुरंत कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब तेरे जने देख क्या कर रहे हैं। तो उसने फटाफट से अपनी जितनी भी आर्मी थी ना वो उधर लगा दी है, और अभी बहुत बुरे वाला युद्ध होने मतलब उन सारे के बीच में युद्ध हो रहा है, बहुत बुरे वाले लड़ रहे हैं अब वो। तो वैसे वो तो लड़ रहे हैं यार, अब अपन क्या करें। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं ऐसी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि गाइस एक यार वो सबसे पहली बात वो अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और दूसरी बात भाई साहब उसने कभी भी कोई मदद के लिए इनकार नहीं किया, मना नहीं है किया उसने आज तक कोई भी मदद के लिए। और भाई मैं क्यों करूँगा यार फिर उसका इनकार मैं क्यों करूँगा। तो मैंने उसको तुरंत कह दिया चल भाई तुम मेरी आधी से आज ज़्यादा आर्मी ले ले। और हमने उसके ऊपर मतलब जस्ट लाइक है ना पूरा का पूरा अटैक कर दिया। और अब वो बेचारा भाई साहब रो रहा है, उसकी जितनी फैमिली थी वो भी अब घुटनों में आ चुके हैं हमारे, और वो हमारे अंडर में काम करने वाला है गाइस। तो अब तुम्हारा भाई है ना जस्ट लाइक है ना GTA वाई सिटी का किंग है। और अगर अभी भी वैसे 3-4 जने और हैं जिनको भी सबक सिखाने वाला बाकी पड़ा है, तो उनको भी यार जल्द से जल्द सबक सिखाएंगे अगर उन्होंने छेड़खानी ली तो। नहीं तो अभी जैसे इसने अपनी आकड़ की थी ना भाई टॉमी, तो भाई साहब तो पिटेगा मेरे से, ये करेगा वो कर देगा, फलाना कर देगा ढोंका कर देगा। तो मैंने सीधी सी बात कही थी भाई इतना है ना तेरे अंदरों का तो भेज दे अपने जितने चौथने जने। तो उसने तुरंत की तरह सबसे पहले मेरे फैमिली के ऊपर हाथ डाला था, और तब के टाइम पे उसके पास ज़्यादा जने थे, तभी मैं उसके पुलिस स्टेशन में घुसा था, उसी के सारे बंदों को मार दिया। और उस बेचारे के पास में कम से कम 5,000 बंदे थे, वो भी मैंने ख़त्म कर दिए। इसके बाद उसके पास पड़े 500 बंदे के 500। और मैंने कहा चलो इनका क्या करना, तो वो कभी लड़ने तो वाला नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर अब वो लड़ेगा ना तो अब तुम्हारे भाई के साथ में सपोर्ट के लिए भाई साहब पुलिस की सारी आर्मी है। क्योंकि यार पिछली बारी तो यार उन्होंने रिश्वत वगैरह दे दी थी उनको कि चलो तुम हमारे साथ में आ जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं सारा कुछ मतलब सब कुछ देंगे, वो तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं देता। भाई पुलिस होती है मदद के लिए ना कि केवल सैलरी टूसने के लिए। तो मैं लड़ तो लिया अब इनसे, अब अगर कल को इन्होंने मेरी फैमिली पे हाथ डाला तो मैंने सिक्योरिटी वगैरह सारा का सारा कुछ डबल कर दिया। क्योंकि यार तुम्हारे भाई को चाहने वाले तो तुम्हें भी अभी तक नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता कितने ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं अभी तक। तब तक मुझे खुद का नहीं पता भाई कितने सारे जने हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे नहीं चाहते, जो कभी चाहेंगे भी या नहीं चाहेंगे, मेरे को कुछ इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मुझे चाहने वाले ज़्यादा हैं, और अब इनके अंदर इतनी भी औकात होने नहीं वाली कि यार अब वापस से आके ये मेरे से लड़ लें। क्योंकि अब इनको पता है भाई सब टॉमी फुल ऑन रोर रहता है। ठीक है गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे की वीडियो के लिए, बाय बाय। और टॉमी के लिए एक लाइक कर देना, टॉमी की फाइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि टॉमी अपनी फैमिली के लिए भाई साहब आप भी देख सकते हो कितना ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। तो ठीक है गाइस बाय बाय।